सेम सेक्स मैरिज करने वाले लोग इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज का दिन उनके लिए बेहद ही जरूरी और बड़ा दिन था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें मिली तो सिर्फ निराशा। दरअसल सेम सेक्स मैरिज करने वाले लोगों को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सेम सेक्स मैरिज करने वालों को कोर्ट से बिग नो मिल गया। सेम सेक्स को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के फैसले से सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को भारत में मान्यता देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव करने से भी इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में शामिल सभी जज इस बात पर सहमत थे कि समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, बेंच ने बहुमत से यह भी कहा कि संसद को समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर फैसला करना चाहिए। कोर्ट ने कहा यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की थी। हालांकि दुनिया के 34 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। इनमें 10 देशों में कोर्ट के जरिए फैसला आया है, तो 23 देश ऐसे हैं जहां कानूनी तौर पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिली है। बता दें कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने पर साफ कहा यह हमारे अधिकार में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 4 फैसले हैं, कुछ सहमति के हैं और कुछ असहमति के। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कोर्ट कानून नहीं बना सकता, सिर्फ व्याख्या कर उसे लागू कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है। फैसले के दौरान सीजेआई और जस्टिस भट्ट ने एक दूसरे से असहमति जताई। कोर्ट ने कहा एलजीबीटी पर्सन की सुरक्षा के लिए भेदभाव विरोधी कानून की आवश्यकता है। सीजेआई ने कहा कि मुझे जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से असहमति है। जस्टिस भट्ट के निर्णय के विपरीत मेरे फैसले में दिए गए निर्देशों के परिणाम स्वरूप किसी संख्या का निर्माण नहीं होता है, बल्कि वे संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाते हैं। मेरे भाई जस्टिस भट्ट भी स्वीकार करते हैं कि राज्य यानी शासन समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव कर रहा है। वो उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। वहीं सीजेआई ने आगे कहा हम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल के बयान पर जा रहे हैं कि इस मसले पर अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो सभी हितधारकों से ये बात करेगी। सीजेआई का कहना है कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह को विनियमित करने में राज्य का वैध हित है और अदालत विधायी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती और उसके एक कानून के माध्यम से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का निर्देश नहीं दे सकती। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को शादी से मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन सीजेआई ने अपने फैसले में केंद्र और पुलिस तमाम ऐसे निर्देश दिए हैं जिनसे आने वाले समय में समलैंगिक जोड़ों के साथ होने वाला भेदभाव समाप्त होगा और आने वाले समय में उन्हें तमाम बड़े अधिकार मिल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जो कमेटी बनने वाली है वो किन मसलों पर विचार करेगी। राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करना, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाना, पेंशन, ग्रेचुटी आदि से मिलने वाले अधिकार, इन सभी मसलों पर कमेटी विचार करेगी। चलिए जानते हैं क्या कुछ कहा जस्टिस ने। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस के कौल ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार है। हालांकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, हीमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने इस पर असहमति जताई और सीएआरए नियमों को बरकरार रखा जिसमें समलैंगिक और अविवाहित जोड़ों को शामिल नहीं किया गया है। सीजेआई ने कहा जीवन साथी चुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है।
एलजीबीटी समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का अधिकार है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 18 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में विवाह की कानूनी और सोशल स्टेटस के साथ अपने रिलेशनशिप को मान्यता देने की मांग की गई थी। बता दें याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस के कौल, एस आर भट्ट, हेमा कौली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।